अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बना रहे हैं पेशाब की कढ़ाई। तो जिसके लिए एक कढ़ाई में हम डालेंगे एक कप भर के घी। घी को मेल्ट होने देंगे। जब घी मेल्ट हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के ज़ीरा। ज़ीरे को फ्राई करेंगे, उसके साथ हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के लहसुन। पिसा हुआ लहसुन लेना है आपने, इसे फ्राई करना है अच्छे तरीके से। जब लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाएगा वो गरम घी में, अब हम डालेंगे चिकन। तो मैंने यहाँ लिए 1 किलो चिकन। चिकन को आपने गोल्डन फ्राई करना है अच्छे से, गोल्डन ब्राउन। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि चिकन जो है अच्छे से फ्राई हो गया है, बिल्कुल गोल्डन कलर आ गया है चिकन के ऊपर, ये देखें आप लोग। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो टमाटर आप ले लें यहाँ 1/2 किलो से थोड़े ज़्यादा और 1 किलो से कम। टमाटर को आधा काट के हमने छिलके समेत रख दिया है। अब हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून नमक, उसके बाद इसे कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ देखें 10 मिनट हो गए हैं और टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब हम इनका छिलका जो है उसको उतार लेंगे इस तरीके से, आराम से छिलका उतर जाएगा। बाकी के भी उतार लेंगे। तो सबके छिलके उतारने के बाद अब हम टमाटरों को अच्छे से घोट लेंगे, पीस लेंगे इसी तरीके से चम्मच से। अब जो टमाटरों का पानी है वो खुश्क करेंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के काले मिर्च पाउडर। अब इसकी भुनाई करेंगे और साथ इसमें डाल देंगे 8 से 10 हरी मिर्चें। चिकन जो है हमारी अच्छे से भुनाई होकर रेडी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक बारीक चॉप किया हुआ। मज़ेदार पेशाब की कढ़ाई रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। फिर लेके आऊँगी आप लोग के लिए एक और मज़ेदार सी वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।